जी। जय श्रीमन नारायण महाराज। श्रीमन नारायण महाराज जी, महाराज जी राम कृष्ण नारायण नरसिंह जगन्नाथ सब एक हैं, परंतु स्वरूप भिन्न होने से मति भी भिन्न हो जाती है, किसी एक भगवान के प्रति अनन्यता नहीं रह पाती। गुरु का वरण कर लिया क्या? हाँ, तो बच्चा जब तक ब्याह नहीं होता तो सैकड़ों फोटो लड़की देखती नहीं देखती, लेकिन ब्याह होने के बाद अगर दो ही फोटो देख ले तो फिर गंदा भाव माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ तो कैसे समझ में आएगा? गुरुबिन होए कि ज्ञान, गुरुदेव का आश्रय ले लो और वो जो नाम बतावे और गुरु रूप बतावे ठाकुर जी का, बस उसको पकड़ लो, निहाल हो जाओगे, वही है, कोई दूसरा है नहीं। देखो, जब आप कोई नाटक देखते, सिनेमा जैसे देखते, और अभिनेता से आपका परिचय हो जाए, तो कभी कभी वही अभिनेता अच्छा रोल करता है, कभी कभी निगेटिव रोल भी करता है, दोनों रोल करते ना। लेकिन जब आप पहचानते हो ना, तो आप केवल मनोरंजन करेंगे, आप ये नहीं मानेंगे कि बहुत गंदा आदमी है, ये अभिनय में गंदा कर रहा है, पर्सनल में नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते हो। ऐसा अगर जान गए तो श्री कृष्ण के सिवा पूरी सृष्टि में कुछ नहीं है, वो अपने आप से अपना अभिनय कर रहा है, जगन नाटक वैभव। तो नरसिंह रूप भगवान, राम रूप भगवान, नारायण रूप भगवान के ये रूप तो भगवान ही के, ये भी भगवान के ही है, पक्का समझ लो। वो अपने जगन नाटक वैभव पर ऐसा जादूगर है कि अपने आप को इतने रूपों में बना के खेल रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। गुरु प्रताप से बात समझ में आती है। अब इनके प्रति मति जा रही, इनके प्रति नहीं जा रही, इसलिए कि अभी ब्याह मति का नहीं हुआ, जब मति का ब्याह हो जाएगा फिर दूसरी जगह नहीं जाएगी। अंतिम समय भीष्म जी कहते, हे श्री कृष्ण, मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या का अब आप वरण कर लीजिए, आपकी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित है। कुंवारी रखा है, भीष्म जी ने कहा अभी तक, हाँ अभी तक बुद्धि में किसी और का वरण नहीं कि आपके सिवा, अब आप अपनी वस्तु को स्वीकार कीजिए। भगवान विविध रूप धारण करके लीला करके उनको भ्रम में डाल सकते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जैसे जादू दूसरों पर असर करेगा लेकिन जमूरे पे नहीं, जो उसका है, जो जादूगर का जमूरा होता है ना उसकी परिचर्या में, उसको सब पता है कि कहां से कौन हरकत हो रही है, लोग प्रभावित है यार, वो चार जगह से काट रहा है, एक जगह से भी नहीं काट सकता हो। वो केवल उसकी आंख बांधने का जो मंत्र, आंख बांधने की कला है, उसके द्वारा कई चीजें ऐसी आश्चर्यजनक जिसे सब प्रभावित है और वो नहीं प्रभावित है, उसको पता है। ऐसे ही भगवान का भक्त जानता, घोर से घोर लीला या सौम्य से सौम्य लीला या प्राकृतिक माया को थोड़ी, तभी बचाओ, सदगुरुदेव का वरण करो और उनकी आज्ञा से चलो, तब सब संशय नष्ट हो जाते हैं, भगवान में प्रीति हो जाती है। प्रीति के बाद फिर ये नहीं नजर आता कि ये कोई और है, अपना ही प्रीतम नजर आता। उत्तम के वसस बन माही सपने हुआन पुरुष जगनाही, उत्तम पतिव्रता के अंदर केवल पुरुष भाव अपने पति पे होता है, ऐसे ही भगवत भाव केवल गुरु प्रदत्त ठाकुर पर होता है। गुरु जी ने कहा ये नाम ये रूप बस आजीवन के लिए स्वीकार कर ले, पहले गुरु को स्वीकार कर, फिर दो इष्ट देव की स्वीकृति हो जाएगी।